बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर, जैसे कि हमने मॉर्गेज कर लिया था, तो पहले ना एक मैं आज आपको टर्म सिखा दूं, एक नई चीज। वो ये चीज है कि लोन, जब भी कोई बैंक लोन देता है, लेट सपोज हमारी कंपनी, उसका नाम है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, हमारी कंपनी उसका नाम है एबीसी लिमिटेड। अगर एबीसी लिमिटेड बैंक से लोन ले रही है, लेट सपोज सर कोई 10 मिलियन का, लेट सपोज कोई 10 मिलियन का, तो अगर ये 10 मिलियन का लोन, इसके बदले में अगर बैंक एबीसी को, अगर बैंक एबीसी के एसेट्स पे या मॉर्गेज करती है या सर चार्ज करती है या सर प्लेज करती है, या मॉर्गेज करती है या चार्ज करती है या सर प्लेज करती है, ठीक है ना, तो सर इस लोन को क्या कहा जाएगा? सिक्योर्ड। सिक्योर्ड सिक्योर्ड मतलब सर ये जो 10 मिलियन है, ये लोन को हमने सिक्योर किया हुआ है कि अगर नहीं दिया गया, अगर एबीसी लिमिटेड ने हमें नहीं दिए पैसे, डिफॉल्ट कर लिया, तो जिस एसेट पे मॉर्गेज है सर वो एसेट हमारा हो जाएगा, जिस एसेट पे चार्ज है सर वो एसेट हमारा हो जाएगा, जिस एसेट पे प्लेज है वो हमारा हो जाएगा। लेट सपोज सर मॉर्गेज, चार्ज या प्लेज क्रिएट नहीं किया गया, बैंक ने पैसे दे दिए 10 मिलियन और उसके बदले में ना मॉर्गेज करवाया, ना चार्ज क्रिएट करवाया, ना प्लेज करवाया, वैसे ही दे दिए 10 मिलियन, तो सर इस लोन को क्या क्या कहा जाएगा? सर अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड जिसके जिसके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखवाई गई हो, उस लोन को कहेंगे सर, उस लोन को कहेंगे क्या कहेंगे उस लोन को सर? उस लोन को कहेंगे हम सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। मैं दोबारा रिपीट कर दूं सर, जिस लोन पे अगर हमने अगर बैंक ने आपको लोन दिया, अगर उसने बैंक ने अपने लोन को मॉर्गेज करवाया लोन देके, या चार्ज क्रिएट करवाया या प्लेज सर रखवाया, सर ऐसे लोन को हम क्या कहेंगे? सर ऐसे लोन को हम कहेंगे सिक्योर्ड लोन, क्योंकि अगर कभी कंपनी ने 10 मिलियन नहीं दिए, डिफॉल्ट किया, कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं की, तो सर बैंक के पास ये मौका होगा कि वो अपने पैसे रिकवर कर सके थ्रू मॉर्गेज, चार्ज या प्लेज, जो भी उसने सिक्योरिटी रखवाई है, ठीक है ना, एबीसी लिमिटेड ने। लेकिन अगर बैंक ने कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखवाई, वैसे ही पैसे दे दिए नॉर्मली, ना मॉर्गेज करवाया, ना चार्ज, ना प्लेज, तो सर उसको क्या कहा जाएगा? उस लोन को कहा जाएगा अनसिक्योर्ड लोन। जब सिक्योरिटी होगी तो सिक्योर्ड लोन, जब नहीं होगी तो अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। तो सर अगर मैं आगे बढ़ूं, हमने कर लिया था मॉर्गेज, मॉर्गेज के अंदर क्या था थोड़ा सा रिकॉल कर लूं। जब भी एक कंपनी बैंक वगैरह से या किसी से भी लोन लेगी, तो अगर वो उसको मॉर्गेज करवाना चाहती है बैंक, तो सर मॉर्गेज होता क्या है? मॉर्गेज के अंदर मॉर्गेज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रिएट होगा, जैसे सर बिल्डिंग पे या आपका लैंड पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो सर अगर उस पे क्रिएट होगा तो उसके अंदर ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स कागजात ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन पजेशन कंपनी के पास ही रहती है, कंपनी के पास ही रहेगी, जिसने लोन लिया पजेशन उसी के पास रहेगी, वही एंजॉय करता रहेगा बेनिफिट्स, ठीक है। एट द टाइम सर फिक्स मशीनरी पे नहीं हो सकती क्योंकि वो मूवेबल हो सकती है, ठीक है ना, लैंड बिल्कुल ही मूव नहीं हो सकता, बिल्डिंग बिल्कुल ही मूव नहीं हो सकती, फिक्स्ड मशीनरी भी मूव हो जाती है, ठीक है ना, ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो सर अब बात ये है, अगर जब आप लोन दे रीपे कर देते हो, जब आप लोन रीपे कर देते हो, जब कंपनी रीपे कर देती है, तो सर ऑनरशिप वापस कंपनी के नाम पे आ जाती है और डॉक्यूमेंट्स भी कंपनी को वापस मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप रीपे नहीं करते हो तो सर ऑनरशिप तो ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है, पजेशन भी आपसे चली जाएगी और वो बैंक के पास चली जाएगी। सर चार्ज क्या चीज है? सर चार्ज क्रिएट होता है हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी पे, ठीक है, चार्ज क्रिएट होगा। हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी पे, ठीक है सर, चार्ज क्रिएट होगा हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी। सर किस 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 पे ये क्रिएट हो सकता है? बेटा पीपी के अंदर जितने भी एसेट आते हैं ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा उन सब पे क्रिएट हो सकता है, फर्नीचर पे हो सकता है, एसी पे हो सकता है, ऑफिस इक्विपमेंट पे हो सकता है सर, आपके अल्लाह आपका भला करे गाड़ियों पे क्रिएट हो सकता है,
ठीक है ना, ये सब पे क्रिएट हो सकता है सर। उसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूं सर, ये किस किस पे हो सकता है सर? ये आपका रिसीवेबल्स पे भी क्रिएट हो सकता है सर। ये रिसीवेबल पे छोड़ दें इसको, स्टॉक पे भी हो सकता है, स्टॉक सर, ये स्टॉक पे भी हो सकता है, जो आपकी इन्वेंट्री होती है उसके अंदर भी हो सकता है। इसके अंदर सर क्या होता है, इसके अंदर भाई इसके करेक्टर्स ये होते हैं सर, चार्ज, बिल्कुल सर, चार्ज क्या सीन होता है कि ये भी एक फॉर्म ऑफ गारंटी है, ये भी एक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी है। अगर मैंने लोन, अब ये कंपनी और बैंक के दरमियान एग्रीमेंट में उनकी मर्जी है कि वो मॉर्गेज क्रिएट करवाते हैं या चार्ज क्रिएट करवाते हैं। मॉर्गेज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होगा, मॉर्गेज के अंदर ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, पदेशन नहीं होगी। लेकिन अगर ये दोनों पार्टी मिलके चार्ज क्रिएट करना करवाना चाहते हैं एसेट्स पे, मॉर्गेज भी हमेशा एसेट पे होगा, चार्ज भी हमेशा एसेट पे होगा, ठीक है? तो अगर चार्ज क्रिएट करवाना चाहते हैं तो चार्ज हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी पे होगा, वो पीपीई के अंदर भी हो सकते हैं, वो स्टॉक के अंदर भी। स्टॉक मतलब इन्वेंट्री जो कंपनी सेल कर रही होती है अपने कस्टमर्स को। अब बात ये है मेरे भाईजान, मॉर्गेज ये चार जो है, ठीक है सर, ये चार जो है इसके लिए क्या इसकी क्या कंडीशन होती है बेटा? इसके अंदर ना ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, जब क्रिएट होता है ना ऑनरशिप ट्रांसफर होगी ना ही पदेशन ट्रांसफर होगी सर। ये फिर कैसे सर, जैसे मॉर्गेज के अंदर ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, जैसे क्रिएट हो जाता है, जैसे हम लोन लेते हैं तो ऑनरशिप भी ट्रांसफर कर लेते हैं अगर मॉर्गेज ट्रांसफर कर मॉर्गेज करवा रहे हैं, पर पदेशन हमारे पास रहती है, कंपनी के पास रहती है, ठीक है? लेकिन लेकिन चार्ज के अंदर क्या होगा, चार्ज के अंदर ना ऑनरशिप ट्रांसफर होगी ना पदेशन ट्रांसफर होगी, ये दोनों कंपनी के पास रहेंगी। फिर सर फायदा क्या है इसी चार्ज का बेटा? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ होता है, अगर अगर जैसे कि बैंक ने लोन दिया एबीसी लिमिटेड को, जैसे बैंक ने लोन दिया एबीसी लिमिटेड को कितने का, 10 मिलियन का, और ये लोन देते वक्त कह दिया कि हम तुम्हारे व्हीकल पे चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, हम तुम्हारे व्हीकल पे चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? और ये हमने तुम्हारी व्हीकल पे चार्ज क्रिएट किया, अब उस व्हीकल पे ये सीन होता है कि अगर तुमने डिफॉल्ट किया तो ये जो व्हीकल जिस पे हमने चार्ज क्रिएट किया है इसकी ऑनरशिप भी हमारे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी और ये पदेशन भी हमें हमारे हाथ में आ जाएगी। तो सर चार्ज के अंदर बेसिकली होता क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर लूं, चार्ज जब क्रिएट होता है, जिस टाइम क्रिएट होता है उस वक्त ना पदेशन ट्रांसफर होती है ना ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, बस एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बातें लिखी होती हैं कि हमने कौन सी चीज पे चार्ज क्रिएट किया, और अगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इन केस ऑफ डिफॉल्ट अगर कंपनी ने पैसे वापस नहीं दिए या कोई भी डिफॉल्ट किया टर्म्स एंड कंडीशन का, तो सर ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी और पदेशन भी ट्रांसफर हो जाएगा। एग्रीमेंट के अंदर ये बातें लिखी हुई होती हैं कि अगर तुमने डिफॉल्ट किया, अगर एबीसी लिमिटेड ने 10 मिलियन नहीं दिए, 10 मिलियन में से कोई इंस्टॉलमेंट एक नहीं दिया, तो जिस पर्टिकुलर चीज पे सर, हाँ बिल्कुल सिक्योरिटी के लिए होंगे, बिल्कुल सिक्योरिटी के लिए होंगे, जिस पर्टिकुलर चीज पे हमने चार्ज क्रिएट किया है उसके लिए हमारा सर क्या हो जाएगा, ऑनरशिप भी चली जाएगी, पदेशन भी चली जाएगी। लेकिन अगर हमने पैसे वापस दे दिए तो ना ऑनरशिप जाएगी ना पदेशन जाएगी, ठीक है? हमने डिफॉल्ट नहीं किया तो कुछ भी नहीं होने वाला सर। अब एक बात सुने, ठीक है? अब मसला बताए क्या है। अब चार जो होती है ना वो दो टाइप्स की होती है, चार्ज होती है दो टाइप्स की। एक होती है सर फिक्स चार्ज, एक होती है फ्लोट चार्ज, ठीक है? एक होती है फिक्स चार्ज, एक होती है, बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई नाम नहीं होता, एग्रीमेंट सिंपल, हर एग्रीमेंट का नाम थोड़ी होता है। पार्टनरशिप डीड का तुमने नाम सुन लिया तो मतलब हर एग्रीमेंट का नाम थोड़ी होगा, इस एग्रीमेंट का कोई, हर एग्रीमेंट का नाम थोड़ी होता है, बस ये एक एग्रीमेंट है, ठीक है? तो सर अब सीन ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अब सीन क्या होगा, चार्ज होती है ना या तो फिक्स्ड होगी या तो फ्लोट होगी। सर ये फिक्स्ड और फ्लोट के अंदर क्या फर्क होता है? सर सीन ये है कि अब देखो,
पहले तो मैं आपको ये बताऊं क्लास ऑफ एसेट क्या होता है। एक टर्म है क्लास ऑफ एसेट। सर क्लास ऑफ एसेट ये चीज होती है, जैसे कि अब देखो पीपी के अंदर एक क्लास ऑफ एसेट है व्हीकल, ठीक है, पीपी के अंदर एक क्लास ऑफ एसेट है व्हीकल। अब इस व्हीकल के अंदर अगर मैं जाऊं तो कंपनी के पास लेट सपोज है कौन कौन सी, सर कौन कौन सी व्हीकल है, ये क्लास ऑफ एसेट है व्हीकल। पीपी एक क्लास, पीपी के अंदर व्हीकल एक क्लास ऑफ एसेट है। सर पीपी के अंदर बिल्डिंग एक क्लास ऑफ एसेट है। अब कितनी भी बिल्डिंग्स हैं कंपनी की पता नहीं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं। सर अगर मैं देखूं फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, तो कंपनी के पास अगर इधर फर्नीचर एंड फिक्सचर लिखा हुआ है, पीपी के अंदर फर्नीचर फिक्सचर है, तो वो एक डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट है। व्हीकल एक डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट है, फर्नीचर एक डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट है, सर बिल्डिंग एक डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट है, लैंड एक डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट है, ऑफिस इक्विपमेंट एक डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट। लेट सपोज हम व्हीकल पे आते हैं, सर अगर व्हीकल की मैं बात करूं तो कंपनी के पास लेट सपोज जो सर कोई 8 गाड़ियां हैं, सर कंपनी के पास कोई कितनी गाड़ियां हैं, सर कोई 8 गाड़ियां हैं, ठीक है, तो सर ये 8 गाड़ियां हैं कंपनी के पास। अब 8 गाड़ियों के अंदर सही है ना, एक कोई करोला है, एक्सेल आए है सर, एक कोई जीएल आए है, एक कोई सिविक है, ठीक है ना, एक कोई कल्टस है, एक कोई मेरान है, इस तरीके से ना सर कंपनी के पास डिफरेंट कार्स हैं, तो 8 मिला के ना, हाँ एफ एक्स भी लिख देते हैं बेटा, एफ एक्स में तुम जाना, उसके बाद कैरी है कोई, ठीक है, और वेगनॉर है, इस तरीके से ना कंपनी के पास बहुत सारी, ये मिला के 8 गाड़ियां पूरी हो गई। अब एक बात सुने सर, ये डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट है। अब सीन ये है मेरे भाई, बात सुनना, कि अगर अगर कंपनी ने लोन लिया, अब यहाँ पे ना ध्यान से तरीके से सुनना सर, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, पहले फ्लोट चार्ज समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हर इन कार्ड्स की ना डिफरेंट वैल्यू होगी, एफएक्स की अपनी वैल्यू होगी, वेगनार की अलग, मेरान की अलग, सिविक की अलग, हर हर किसी की अलग। लेट सपोज बैंक ने लोन दिया, बैंक ने लोन दिया एबीसी लिमिटेड को, ठीक है, बैंक ने लोन दिया कितने का, लेट सपोज सर कोई 1 मिलियन का, 1 मिलियन का लोन दिया। बैंक ने बोला यार हम ना आपके ना व्हीकल पे चार्ज क्रिएट कर लेते हैं, हम आपके व्हीकल पे चार्ज क्रिएट कर लेते हैं, कितने का चार्ज क्रिएट कर लेते हैं, कितने का सर, हम क्रिएट करते हैं चार्ज कोई 900,000 का, 900,000 मतलब 0.1 मिलियन, 0.9 मिलियन, ठीक है ना, हम इनके इसके ऊपर बस इन्होंने बोला कि हम व्हीकल पे चार्ज क्रिएट कर लेते हैं 900,000 का। अब सर सीन ये है कि देखो अब यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे ये बताओ कि क्या इन्होंने बोला है बैंक ने, हम आपकी व्हीकल पे, ध्यान से सुनना तरीके से तसल्ली से, हमने आपकी व्हीकल पे चार्ज क्रिएट कर दिया 900,000 का, क्या इन्होंने हमारी कोई व्हीकल डिफाइंड की, एक्सेल आए या जीएल आए पे कर रहे हैं, या सिविक पे कर रहे हैं, या कैरी पे कर रहे हैं, या कल्टस पे, या मेरान पे, या एफ एक्स पे, या वेगनॉर पे, किसी पे भी डिफाइन की? नहीं सर, नहीं डिफाइन की। तो सर अगर मैं जैसे कि आगे चल के कभी जिंदगी में जब तक लॉन्च चल रहा है एक्सेल आए सेल कर दूं तो क्या मैं कर सकता हूं बेटा? बिल्कुल कर सकते हो। सर अगर मैं कल्टर सेल कर दूं तो क्या कर सकता हूं बेटा? बिल्कुल कर सकता हूं। तो सर अगर डिफॉल्ट हो गया, अगर डिफॉल्ट हो गया तो कंपनी बैंक को किसमें से पैसा देगी बेटा? कंपनी बैंक को इन गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी जिसकी कीमत टोटल मिला के 9 लाख बन रही हो, ठीक है ना, या तो वो मार्केट में सेल करके इनको दे देगी 9 लाख रुपए, या तो गाड़ी कोई सी भी गाड़ी, कोई सी भी गाड़ी मार्केट में सेल करके 9 लाख रुपए पूरे करके दे देगी इनको, या पर्टिकुलर गाड़ी जो 9 लाख रुपए की है सर, लगभग अप्रोक्सीमेटली 9 लाख रुपए की है, वो कंपनी बैंक को दे देगी, वो कंपनी बैंक को दे देगी। सर मेरी बात सुनने तरीके से तसली से सुन ले, मैं सबके जवाब दे रहा हूंगा सर। तो अब बात यह है कि सर क्या कंपनी फिर सारी गाड़ियां सेल कर सकती है और वो गाड़ी बचा ले जिसकी वैल्यू ही कम हो? बेटा ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। आपने कम से कम इतने लेवल तक की गाड़ी बचानी है जितने का चार्ज, जितने के वैल्यू का चार्ज क्रिएट किया हुआ है,
जैसे कि मैंने एक्सएलआई सेल कर लिया, कल्टस कर लिया, जीएलआई कर ली, मेरान कर ली, वेगनॉर कर ली, सिविक कर ली, कैरी कर ली, एफएक बचा ली। बेटा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने कम से कम, जैसे कि आप मेरान और एफएक बचा सकते हो, बाकी सारी सेल कर सकते हो, ठीक है ना। अब सर इस तरीके से, अब बात यह है कि मुझे ऐसे नहीं, कंपनी फ्लोट चार्ज के अंदर, फ्लोट चार्ज के अंदर क्लास ऑफ एसेट फिक्स होता है, पर एसेट खुद फिक्स नहीं होता। एसेट खुद फिक्स कैसे नहीं होता, जैसे अगर मैं आपको फिक्स एसेट समझाऊंगा ना, फिक्स चार्ज समझाऊंगा ना, तो उसके अंदर आपको कौन से मजीद क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फिक्स चार्ज के अंदर वही बैंक ने लोन दिया, वही बैंक ने लोन दिया एबीसी लिमिटेड को, एबीसी लिमिटेड को लोन दिया कितने का, 1 मिलियन का। अब एक बात बताओ, अब जब लोन दिया ना, इन्होंने बोला यार तुम्हारी जो ये सिविक गाड़ी है ना, तुम्हारी जो ये सिविक गाड़ी है ना, इस पे ना हम चार्ज क्रिएट करते हैं, इस पे हम चार्ज क्रिएट करते हैं। अब देखो, अब क्या हमने क्लास ऑफ एसेट की बात की? नहीं, हमने तो पर्टिकुलर एसेट की बात की, हमने पर्टिकुलर एसेट की बात की। लेकिन सर सिविक तो महंगी है, सिविक तो महंगी है, सिविक तो कोई सर ये 30 लाख 26 लाख की है, ठीक है ना। तो इस अब ये कैसे सीन होगा, लोन तो कोई 10 लाख रुपए का, बेटा इसके अंदर ना अमाउंट फिक्स होता है, 9 लाख अमाउंट फिक्स है। तो 9 लाख तक सिविक में से इसमें से रिम्बर्स कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। तो सर बाकी किसका हक है, बाकी कंपनी का हक है, ठीक है ना। अब देखो, अब ये क्या सिविक है, इस पे हमने ना सिक्योरिटी फिक्स कर दी, कंपनी ने इस पे सिक्योरिटी फिक्स कर दी, चार्ज क्रिएट हो गया। तो क्या मैं बाकी गाड़ियां सेल कर सकता हूँ, बाकी जो गाड़ियां थी, मेरान थी, वेगनॉर थी, जितनी भी गाड़ियां थी, क्या कंपनी वो सेल कर सकती? बिल्कुल बेटा, वो सिक्योर्ड नहीं है, वो आजाद है, उन पे चार्ज क्रिएट नहीं है। तो क्या कंपनी ये सिविक सेल कर सकती है? नहीं, कंपनी दो बातें होंगी, कंपनी सिविक सेल नहीं कर सकती। हाँ कर सकती है, कब कब कर सकती है, कब, जब बैंक इजाजत दे, बैंक ने अगर इजाजत दी हाँ सेल करो सिविक तो फिर कर सकती है, पर अगर बैंक ने इजाजत नहीं दी तो फिर सेल नहीं कर सकती। जब भी सेल करेगी, अगर एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट पे, पर्टिकुलर एसेट पे जो एसेट हमने फिक्स किया हुआ है, जिस पे चार्ज फिक्स है, अगर उस एसेट को सेल किया जाए मार्केट में, तो किससे पूछना पड़ेगा, जिसने आपको लोन दिया है उससे पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो फिक्स चार्ज के अंदर एसेट फिक्स होता है, फिक्स चार्ज के अंदर एसेट फिक्स होता है, उस एसेट को कभी भी सेल नहीं किया जा सकता। हाँ, जब सेल किया जा सकता है, जब मैं पर्टिकुलर क्रेडिटर से, जिसने मुझे लोन दिया उससे पूछूं, अगर वो इजाजत देगा तो सेल कर सकूंगा, अगर वो इजाजत नहीं देगा तो सेल मैं नहीं कर सकता, ठीक है, फिक्स चार्ज के अंदर। अच्छा, अगर कंपनी कभी लिक्विडेट हो गई, जैसे कि लोन चल रहा था, 5 साल का लोन था, 5 ईयर्स का, ठीक है, 5 साल का लोन था, 5 ईयर्स का। अब एक बात सुनो, 3 साल के बाद कंपनी लिक्विडेट हो गई, कंपनी लिक्विडेट हो गई। अब एक बात सुनो, सही है। अब सर लिक्विडेट जो हो गई कंपनी, तो जिस एसेट पे चार्ज फिक्स क्रिएट किया गया था, जिस एसेट पे, लेट सपोज चार्ज जो है फिक्स क्रिएट किया गया था, जिस पर्टिकुलर एसेट डिफाइन था, ठीक है ना, पर्टिकुलर एसेट डिफाइन था, अब कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। सर अगर चार्ज जिस क्रिएट पे, जैसे ये क्रिएट किया गया था मेरान पे, कंपनी लिक्विडेट हो गई, तो ये बताओ, अब जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है और अगर कोई क्रेडिटर के पैसे बच जाते हैं, तो किसमें दिए जाते हैं, एसेट्स में से दिए जाते हैं सारे क्रेडिटर को। अब लेट सपोज कंपनी को कोई क्रेडिटर कितने, सर 4 क्रेडिटर है, इन 4 क्रेडिटर के अंदर बैंक भी है। सर बैंक को, अब बैंक का राइट होगा इस मेरान के ऊपर, सबसे जैसे कंपनी बंद होगी, अगर किसी एसेट पे फिक्स चार्ज क्रिएट की गई है, तो ये जो मेरान पे लेट सपोज फिक्स चार्ज क्रिएट की गई थी, ये मेरान उठा के बिना किसी सोचने के इस बैंक को दी जाएगी, क्योंकि इस बैंक ने मेरान के अगेंस्ट लोन दिया था, मेरान के थ्रू सिक्योर्ड करवाया था अपना लोन, तो इस मेरान पे किसका आके, बैंक का, क्योंकि इन्होंने फिक्स चार्ज क्रिएट किया। तो जब भी कंपनी, 3 बातें बताई, फिक्स चार्ज के अंदर एसेट फिक्स होता है, फिक्स चार्ज में अमाउंट डिफाइंड होता है, फिक्स चार्ज के अंदर एसेट जो है वो कभी भी सेल नहीं किया जा सकता। हाँ, जब सेल किया जा सकता है, जब आपको
जिसने लोन दिया, लेंडर ने, जो लोन देता है उसको लेंडर कहा जाता है। सर उसने इजाजत दे दी तो आप उसको सेल कर सकते हैं। सर जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी तो जिस पर्टिकुलर एसेट पे चार्ज क्रिएट किया गया है वो उसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा। लेकिन फ्लोट चार्ज के अंदर क्या सीन होता है, फ्लोट चार्ज के अंदर एसेट फिक्स नहीं होता। हाँ क्लास ऑफ एसेट फिक्स होता है, जैसे क्लास ऑफ एसेट व्हीकल, अब व्हीकल के अंदर कितनी भी गाड़ियां हैं उन सब पे चार्ज क्रिएट है। फ्लोट के अंदर पर्टिकुलर एसेट डिफाइन नहीं होता, पर्टिकुलर एसेट डिफाइन नहीं होता। जैसे कि अगर अगर मैं इतना भी बता दूं कि फिक्स चार्ज का ये भी होता है, जैसे कि देखो सिविक कंपनी के पास दो हैं, सिविक कंपनी के पास दो हैं, ठीक है, एक का नंबर है एक्स वाई जेड, ठीक है, दूसरी का नंबर है ए बी सी, दो हैं। तो इन दो में से भी कौन सी वाली, कौन सी वाली, लेट सपोज ए बी सी, ए बी सी पर्टिकुलर एक पे क्रिएट की गई। लेकिन फ्लोट के अंदर क्या सीन होता है कि भाई क्लास ऑफ एसेट फिक्स होगी, ठीक है ना। अब वो स्टॉक पे भी हम कर सकते हैं, स्टॉक पे इन्वेंट्री पे भी हमने कर लिया तो। लेकिन फ्लोट के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि आप सेल तो कर सकते हो लेकिन आप वैल्यू से ही कम चले जाओ। वैल्यू डिफाइंड होती है, वैल्यू डिफाइंड होती है। जैसे सिक्योर तो रहे ना, कल को अगर मैं तुम लोग डिफॉल्ट कर जाओ तो इतना तो वैल्यू हो ना एसेट का, इतना तो एसेट पड़ा हुआ हो जिसपे मैंने चार्ज क्रिएट किया है वो मुझे रिकवर हो जाए। अगर सर मैं यहाँ पे आ जाऊं हैंड आउट पे और यहाँ से रीड करूं तो सर आपकी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से आप रीड करें, चार से लेके ये पूरा रीड करें आप, ठीक है। उसके बाद ये रीड करें सर, चार्ज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, यहाँ तक रीड करें तो सर हम फिर आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ तक पढ़ें तो हम फिर आगे चलें सर, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब एक बात सुने, अब तीसरा सिक्योरिटी वाली कौन सी चीज रह गई, प्लेज, ठीक है ना, प्लेज रह गई। प्लेज के अंदर क्या होता है, गिरवी रखवाना, ठीक है। इस प्लेज को ना हम कॉन्ट्रैक्ट एक के अंदर काफी डिटेल में पढ़ेंगे, इसके राइट्स क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया हुआ है तो वो मैं कवर करवा दूं, ठीक है ना। सर प्लेज क्या होता है, सर प्लेज ये होता है, अब देखो मोर्गेज और चार्ज जो होता है ना वो कंपनी के केस में होता है, मोर्गेज और चार्ज जो होता है ना वो कंपनी के केस में होता है। तो कंपनी या तो मोर्गेज करवाएगी या चार्ज करवाएगी, प्लेज भी करवा सकती है लेकिन मोर्गेज और चार्ज जो है ना वो इंडिविजुअल बंदा नहीं करवा सकता, ठीक है ना, ये कंपनी के केस में होता है। लेकिन जब भी कंपनी करवाती है तो इसको किसके पास रजिस्टर करवाना होता है, रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार के पास जाके एग्रीमेंट दिखाना होता है। वो एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट, जिस एग्रीमेंट में लोन दिया गया है, जिस एग्रीमेंट में मोर्गेज या चार्ज क्रिएट की गई है, मोर्गेज या चार्ज की बात की गई है, वो रजिस्ट्रार के पास जाना होता है और उसके पास जाके सर रजिस्टर करवाना होता है, उसके पास रजिस्टर करवाना होता है। ये पहले कोर्स का पार्ट हुआ करता था लेकिन अब ये किस तरीके रजिस्टर करवाना होता है, कौन कौन सी चार्ज को रजिस्ट्रार के पास जाके बताना होता है, रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका है, कितनी फी है, सर ये स्टडी पैक में आपको नजर आ रहा होगा लेकिन आपके कोर्स से ना अब ये सर डिलीट किया गया है। ये लास्ट ईयर था, लास्ट अटेम्प्ट में था, इस अटेम्प्ट में नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे प्लेज, तो प्लेज क्या सीन होता है बेटा, अब एक बात सुनो, प्लेज जो है ना वो कंपनी भी क्रिएट कर सकती है, प्लेज कंपनी भी क्रिएट कर सकती है, प्लेज इंडिविजुअल भी, प्लेज जो है ना वो इंडिविजुअल भी क्रिएट कर सकता है। सर ये प्लेज का क्या सीन है, सर ये प्लेज का ये सीन है कि देखो, अब देखो प्लेज के अंदर वो एसेट होते हैं जिनके ना ओनरशिप का, ओनरशिप की तो बात ही नहीं होती, ठीक है ना। अब जैसे कि गोल्ड, गोल्ड लेट सपोज अगर आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने, आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने, ठीक है, आप बैंक के पास गए लोन लेने, आपने बैंक से लोन लिया, लेट सपोज सर कंपनी गई या कोई भी बंदा गया, मिस्टर ए गया, इंडिविजुअल बंदा गया या कंपनी गई, बैंक से लोन लिया कितने का, लेट सपोज सर कोई लिया ये 6 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए का लोन लिया और बदले में बैंक ने बोला यार कुछ सिक्योरिटी तो रखवा दो, तो इसने क्या किया, उसके घर पे गोल्ड पड़ा हुआ था वो जाके ना बैंक को दे दिया, बैंक को दे दिया, बैंक के पास रखवा दिया। अब ये जो बैंक के पास रखवाना है ना सर, इसको बोला जाता है प्लेज, इसको बोला जाता है प्लेज, गिरवी रखवा देना। अब देखो पदेशन ही दे दी, अब ये गोल्ड किसके पास है सर, बैंक के पास, ये गोल्ड किसके पास है सर, ये बैंक के पास है, बैंक के पास गोल्ड पड़ा हुआ है। जैसे 6 लाख रुपए
लोन वापस कर दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा, ये मिस्टर ए जैसे ये 6 लाख रुपए रिटर्न कर देंगे वैसे ही ये बैंक जो है ये गोल्ड वापस कर देगी मिस्टर ए को। फिलहाल गोल्ड किसके पास पड़ा हुआ है? बैंक के पास। इस गोल्ड को जो ये रखवाया जाता है, पजेशन ट्रांसफर की जाती है, इसको क्या कहा जाता है? प्लेज। अगर तुमने 6 लाख रुपए लोन अमाउंट, अगर तुम्हें लोन अमाउंट वापस नहीं किया, अगर तुमने लोन अमाउंट वापस नहीं किया, रिटर्न नहीं किया, रीपे नहीं किया, तो ये गोल्ड किसका हो जाएगा? सर ये गोल्ड बैंक का हो जाएगा। बैंक की मर्जी कुछ भी करे। सर इस प्लेज को प्लेज बोलो या बेलमेंट ऑफ गुड्स? बेलमेंट ऑफ गुड्स, बेलमेंट ऑफ गुड्स। सर बेलमेंट्स मतलब गिरवी रखवाना, बेलमेंट मतलब गिरवी रखवाना। तो प्लेज के अंदर सर फिर क्या? प्लेज रजिस्टर करवाना रजिस्ट्रार के पास जरूरी है, जैसे मोर्गेज और चार्ज जरूरी होता है? नहीं सर, प्लेज रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं। क्यों? क्यों रजिस्ट्रार के पास करवाना जरूरी नहीं? उन दोनों को क्यों जरूरी है, इसको क्यों जरूरी नहीं क्या कहा गया? क्योंकि सर ये जो लोन देता है ना, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए रजिस्ट्रार ने बोला रजिस्टर करवाना जरूरी है। जैसे कि मोर्गेज और चार्ज के अंदर, मोर्गेज और चार्ज के अंदर पजेशन ट्रांसफर नहीं होती। सर कल को अगर कंपनी वो बोले कि नहीं डिफॉल्ट भी कर लिया और कंपनी ने बोला पजेशन हमारी है, हम तुम्हें ना ये एसेट नहीं देंगे, हमने डिफॉल्ट किया और हम तुम्हें ना ये एसेट नहीं देंगे, तो फिर ये पार्टी जिसने लोन दिया, जिसने बैंक ने लोन दिया वो क्या करेगा? लेकिन अगर रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होगी, रजिस्ट्रार के पास ये एग्रीमेंट रजिस्टर होगा, उसको बताया गया होगा, तो फिर क्या होगा? ये मदद करेगी एसीसीपी, ये एसीसीपी या रजिस्ट्रार मदद करेगा जब कंपनी बंद हो जाए या ऐसा कोई बात हो जाए तो जिस पार्टी ने लोन दिया उसको ये लेके दे। लेकिन पिलेज के अंदर रजिस्टर की क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है? क्योंकि पिलेज के अंदर तो ऑलरेडी पजेशन ट्रांसफर हो चुकी है, इस वजह से सर पिलेज के अंदर ये बात नहीं है। सर अगर मैं भाईजान यहाँ पे जाऊं, ठीक है ना, और यहाँ पे रीड करूं प्लेज, ये ज्यादा इसकी डिटेल हम कहाँ पढ़ेंगे? सर हम कॉन्ट्रैक्ट वाले मर्केंटाइल लॉ के वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ना आप इसको देख लें, ठीक है? तो सर आप इसको देख लें, रीड कर लें, तो फिर आगे। अब सर मैं जो लोन है, मैं सर जो ये लोन है सर किस किस से ले सकता हूँ? सर ये मैं लोन ले सकता हूँ या तो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से। क्रेडिट इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं? सर वो कारोबार, वो कंपनीज सर जिनका काम ही लोन देना हो, वो कारोबार, वो कंपनी जिनका काम ही लोन देना हो। सर वो कौन सी कंपनीज हैं जिनका काम ही लोन देना है? बेटा बैंक, ठीक है ना, जो बैंक, जो जैसे कि कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स कौन से? जो कि अभी ये सारे बैंक्स हैं, एमसीबी हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, सर एचबीएल हो गया, सर अलाइड बैंक हो गया, समिट बैंक, ये सारे कमर्शियल बैंक हैं। अगर इनके पास आप जाएंगे तो आपको ये लोन दे देंगे, तो इनको बोला जाता है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, जैसे ZTBL, जरई तरक्कियात बैंक, जरई तरक्कियात बैंक, ठीक है ना, वो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लोन दे रहे होते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंक से लोन लें, सर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, कुछ ऐसी बैंक हैं जो कि माइक्रो फाइन, लेकिन वो बैंक तो नहीं है, कुछ ऐसे कारोबार हैं जो कि बैंक तो नहीं है, ठीक है, लेकिन कारोबार वही कर रहे हैं बैंक जैसा। फाइनेंस, बैंक भी क्या करता है, आपको फाइनेंस दे रहा होता है, वो भी ऐसा कारोबार करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वाले, के बैंक तो नहीं कहलाए जाते नाम से, लेकिन वो भी लोन दे रहे होते हैं और लोन ले रहे होते हैं। फर्क क्या होता है? वो कम अमाउंट की लिमिट का लोन देते हैं, बैंक ज्यादा अमाउंट की लिमिट का लोन दे सकता है, ठीक है। या सर मुदारबाज या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको लोन देने के लिए हक दिया गया हो, ठीक है, फाइनेंस क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ये चीज हो रही होती है ऐसी कोई कंपनी। अब सर ये जो लोन देते हैं, अब सर ये जो लोन देते हैं, इस लोन का क्या सीन होता है मैं आपको अभी बता दूं। सर इस लोन का क्या सीन होता है, जैसे कि आपने लोन लिया किससे? आपने लोन लिया जैसे कि एबीसी लिमिटेड ने लोन लिया सर यूबीएल से। यूबीएल से कितने का लोन लिया? 100 मिलियन का। अब ये इनके एग्रीमेंट के बीच में, सौ मिलियन के लोन के अगेंस्ट क्या 10% इंटरेस्ट, ठीक है ना, 10% इंटरेस्ट पर एनम लेंगे, ठीक है ना, या तो इंटरेस्ट लेंगे, अब कहने का मकसद है या तो 100 मिलियन पे इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है, या तो इंटरेस्ट ना लें,
और प्रॉफिट में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है ना, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है, जो सर किस तरीके से सेल आ गई, सेल के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस हो गया, फिर ग्रॉस प्रॉफिट बचा, एक्सपेंसेस लेस किए, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स लेस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा है ना उसका सर्टन परसेंटेज, जैसे कि उसका भाई हमें आप 2% दे देना, उसका 3% दे देना। अब कंपनी की, अब ये एग्रीमेंट के बीच में होता है, अगर कोई क्रेडिट इंस्टीट्यूशन या कोई भी पार्टी लोन दे रही है सर, या तो वो इंटरेस्ट ले या तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, प्रॉफिट में से, इसको बोला जाता है प्रॉफिट पार्टिसिपेशन, इसको बोला जाता है प्रॉफिट पार्टिसिपेशन, ठीक है ना, इसको बोला जाता है प्रॉफिट पार्टिसिपेशन, या तो इंटरेस्ट ले ले या तो प्रॉफिट में से कोई परसेंटेज ले ले। सर क्या दोनों ले सकती है? बेटा अगर एग्रीमेंट में तुमने उसको दोनों लेने की इजाजत दे दी तो ये तुम्हारी मर्जी है, तुम भले दोनों दे दो, तुम उसको इंटरेस्ट भी दे दो, तुम भले प्रॉफिट में से इतना परसेंट भी दे दो, ठीक है ना। जरूर कोई बंदा 100 मिलियन का लोन लेगा, देगा तो तुमसे ये चीजें तो लेगा ना, वैसे तो नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो सर अगर मैं क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से चीजें लूं तो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के अंदर कौन कौन सी, आप बोरिंग किस किस से कर सकते हो और लोन किस किस से ले सकते हो बेटा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से? क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के अंदर कौन कौन कवर होते हैं सर? बैंक कवर हो गए, कमर्शियल बैंक कवर हो गए, और सर इन्वेस्टमेंट बैंक कवर हो गए, और सर इन्वेस्टमेंट बैंक कवर हो गए सर। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे और कौन कवर हुआ सर? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, NBFC, ठीक है ना। तो सर ये कवर हो गए, आप अगर इनसे लोन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो सर ये बोरिंग फ्रॉम क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होगा। सर और मैं किससे लोन ले सकता हूँ बेटा? और अदर देन क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, अदर देन क्रेडिट इंस्टीट्यूशन कौन हो सकता है? और किससे मैं लोन ले सकता हूँ बेटा? आप ले सकते हो अपने शेयर होल्डर से, अगर कोई शेयर होल्डर आपको लोन देना चाहे तो आप उससे ले सकते हो, लोन ले सकते हो शेयर होल्डर से, या आपकी कंपनी को जो स्पॉन्सर कर रहा है, आपकी कंपनी को जो स्पॉन्सर कर रहा है आप उससे भी ले सकते हो। सर वैसे अगर मैं क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से लोन लेता हूँ तो नॉर्मली ये लोन को सिक्योर करवा रहे होते हैं, सिक्योर मतलब सिक्योरिटी रखवा रहे होते हैं, आइदर बाय मॉर्गेज और चार्ज और प्लेज। क्या शेयर होल्डर या स्पॉन्सर जब लोन देंगे तो क्या ये सिक्योर करवा सकते हैं? बेटा इनकी मर्जी है, ये एग्रीमेंट के ऊपर है, ये सिक्योर भी करवा सकते हैं, ये अनसिक्योर्ड भी करवा सकते हैं। अगर इन्होंने सिक्योरिटी रखवा दी तो इनकी मर्जी है, नहीं रखवाई तो इनकी मर्जी है, ये सर आपके और उनके दरमियान एग्रीमेंट में। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लें तो सर यही बात लिखी है जो कि अभी मैंने आपको समझाई है, ठीक है। तो सर क्या इनको भी इंटरेस्ट दिया जाएगा, शेयर होल्डर्स और स्पॉन्सर को? बेटा बिल्कुल दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। अब सर एक बात सुने, अब कंपनी के ना, कंपनी का ना लोन लेने का तरीका होता है, कंपनी का लोन लेने का तरीका होता है, कैसे लोन लेने का तरीका होता है, जैसे कि सर अभी एक बात बता दूं, जैसे कि अब देखो, या तो कंपनी एक इंस्ट्रूमेंट इशू कर देती है, एक इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, ठीक है ना, जिसमें लिख रही होती है। अब कंपनी लेट सपोज इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, ये एक इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट है लेट सपोज सर कोई 1,000 रुपए, 1,000 हो गई या 10,000 हो गई या 100 हो गई, और कंपनी ने ये कॉस्ट है एक इंस्ट्रूमेंट की, एक इस इंस्ट्रूमेंट की सर, इस इंस्ट्रूमेंट की, या तो कंपनी ये इशू कर रही है एक ही कॉस्ट 1,000 रुपए, ठीक है ना, और सर इस पे ये कंपनी ने टोटल ओवरऑल कितने इशू किए हैं, लेट सपोज कंपनी ने कोई इशू किए हैं ये सर 1 लाख, 1 लाख इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने इशू किया। अगर देखो 1,000 × 1 लाख करूं तो कितने मिलियन का लोन बन जाएगा। अब कंपनी क्या करती है, ये शेयर की तरीके से ना इशू कर रही होती है, ठीक है ना। अब इस इंस्ट्रूमेंट में लिखा होता है कि भाई ये इस पे टर्म्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि भाई या तो प्रॉफिट में, अब कंपनी की मर्जी होती है, या तो प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन, प्रॉफिट परसेंटेज मिल रही होती है, अगर प्रॉफिट आया तो उसका 2% आपको देंगे या 0.5% देंगे, अब उनकी मर्जी होती है जो भी लिखें, या तो लिख रहे होते हैं कि अगर आपने ये लिया तो 10% मिलेगा, 10% मतलब किस तरीके से, नॉर्मली ना ये नहीं हो रहा होता, नॉर्मली ये नहीं होता, ये मैंने रेयर केस आपको बताया है, ठीक है ना, ये ज्यादातर होता है। तो 10% किसका मिलेगा, 1,000 का, 10% कितना मिलेगा, 1,000 का। तो सर जो भी, ये भी ना एक लोन लेने का तरीका है, लोन लेने का तरीका है। ये डिपेंचर कितने साल का है सर? ये इंस्ट्रूमेंट कितने साल का है बेटा? ये 2 साल का है,
2 साल का या 3 साल का या 4 साल का या 5 साल का या 6 साल का, अब ये कंपनी की मर्जी है ये कितने टाइम के लिए रख रहे होते हैं, या बीच में आए कोई भी कंपनी को वापस करके अपने पैसे ले सकता है, ठीक है ना। इस इंस्ट्रूमेंट को कहा क्या जाता है, इस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है या तो बॉन्ड, ठीक है, या डिपेंचर, ठीक है ना। कंपनी के पास ना लोन लेने का तरीका होता है, या तो स्ट्रेट जाके बैंक को बोल दे कि मुझे तुम 10 मिलियन का लोन दे दो, मुझे तुम 100 मिलियन का लोन दे दो, मुझे तुम 20 लाख का लोन दे दो, या तो स्ट्रेट बैंक को जाके बोल दे। दूसरा तरीका क्या है सर, या तो अपने शेयर होल्डर से ले ले। तीसरा तरीका क्या है सर, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, ठीक है ना, और 1,000, 100, 10 रुपए, 20 रुपए की कॉस्ट उसकी फिक्स करे कि जो भी बंदा आए, नॉर्मल पब्लिक आए। जैसे ना प्रोस्पेक्टस के अंदर मैंने ये बात कही थी, अगर तुम प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी इस तरीके की चीज इशू करोगे तो कोई तुमसे क्यों खरीदेगा, पर इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। क्या प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को कह सकती है आओ मेरे डिपेंचर्स खरीदो, आओ मेरे बॉन्ड खरीदो? नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी इट हैज रिस्ट्रिक्ट, प्राइवेट कंपनी इट हैज रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ऑफर जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट सिक्योरिटीज। ये बॉन्ड भी सिक्योरिटीज में आएगा सर, ये डिपेंचर भी सिक्योरिटीज में आएगा सर, एक होता है ट्रम्प फाइनेंस सर्टिफिकेट, ये तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। अब ये सर इनकी कॉस्ट 10 मिलियन भी हो सकती है, 100 मिलियन भी हो सकती है, जितनी कॉस्ट कंपनी रखना चाहे रख सकती है, कितने इश्यू करती है वो उनकी मर्जी है। 1,000 कॉस्ट रखी मैंने जस्ट एग्जांपल में, कितने साल का होगा वो भी ये रख सकते हैं। जैसे नहीं एक नोट होता है कब मेच्योर होगा ये, ठीक है ना, तुम सैंपल इंटरेस्ट करना चाहते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट करना चाहते हो, वो वाला हिसाब किताब होगा इसके अंदर। तो कंपनी से अगर जो भी खरीदेगा तो बदले में कंपनी को क्या मिलेगा, हर इस बॉन्ड पे, डिपेंचर पे, ट्रम्प फाइनेंस सर्टिफिकेट पे 1,000 रुपए मिलेगा, ठीक है ना। अब 1,000 रुपए पे सर और सर जो खरीदेगा उसको क्या मिलेगा, जो इंटरेस्ट रेट होगा 10%, 9%, 6%, 8% वो उसको मिल रहा होगा, किसका सर, इसका, इसका सर, इसका, जिस जो इसकी कॉस्ट होगी, जो इसकी फेस वैल्यू होगी, क्यूएमटी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जो उसकी फेस वैल्यू होगी उस पर मिल रहा होगा सर। जैसे टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा आप उसको वापस दे सकते हो, मेच्योर हो या इससे पहले भी आप दे सकते हो। तो डिपेंचर पे नॉर्मली डिपेंचर के करेक्टर्स क्या क्या होते हैं, डिपेंचर बॉन्ड या ट्रम्प फाइनेंस सर्टिफिकेट पे सर ये इंटरेस्ट कैरी कर रहा होता है सर। दूसरी चीज ये, या इंटरेस्ट कैरी नहीं करेगा तो ये प्रॉफिट पार्टिसिपेशन भी कैरी कर रहा कर सकता है, प्रॉफिट पार्टिसिपेशन भी सर कैरी कर सकता है सर। उसके अलावा सर क्या ये इंस्ट्रूमेंट लेने से मैं क्या जनरल मीटिंग के अंदर, मेंबर्स वाली मीटिंग के अंदर वोट कर सकूंगा? नहीं बेटा, नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुम मेंबर नहीं बन रहे, तुम शेयर होल्डर नहीं बन रहे, तुम ये डिपेंचर बॉन्ड टीएफसी ये कंपनी का लोन लेने का तरीका है, कंपनी ये इशू करके बदले में लोन ले रही होती है। जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो आपको नॉर्मली बॉन्ड इशू करेगा या सेविंग सर्टिफिकेट इशू करेगा और आप उसको जाके पैसे देते हो, आप सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लेते हो और बदले में आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है सर। क्या ये जो फिर क्या सर, एक होती है मीटिंग्स, एक होती है जो भी कंपनी को लोन देते हैं ना वो बन जाते हैं कंपनी के लिए क्रेडिटर। क्या वो क्रेडिटर आपस में मीटिंग कर सकते हैं? बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, जिसके बाद लोन होगा वो कंपनी का क्रेडिटर होगा और वो आपस में मीटिंग कर सकता है, ठीक है। तो सर अगर मैं चला जाऊं यहाँ पे जल्दी से इसको रीड कर लें तो फिर आगे बढ़ें, यहां से लेके यहां तक ना रीड कर लें, जल्दी से इसको रीड करें, जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी।